वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्यलक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में लक्ष्मी को एक बार फिर से ब्लेम किया जाने वाला है। लक्ष्मी की तरफ से एक सबसे बड़ी कोशिश कामयाब होते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ यहां पर ऋषि और मलिष्का का पूरी तरह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। लक्ष्मी को एक बार फिर से टारगेट किया जाएगा, जो कि अब यहां पर लक्ष्मी के लिए काफी ज्यादा बुरा साबित होने वाला है। आने वाले एपिसोड में यहां पर लक्ष्मी को अब यहां पर काफी ज्यादा बुरी बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन लक्ष्मी ही आगे बढ़कर आएगी नीलम का ख्याल रखने के लिए। और साथ ही साथ नीलम को यहां पर एक बार फिर से एहसास होगा अपनी गलती का, जो कि वो एक करते हुए नजर आ रही थी। और आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि एक बार फिर से ऋषि और लक्ष्मी के बीच में कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे जो कि यहां पर ऋषि और लक्ष्मी को अलग करके रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मोमेंट आने वाले हैं और कुछ ऐसे यहां पर ऐसे मोमेंट आएंगे जो कि अब ऋषि और लक्ष्मी को एक दूसरे के साथ में अलग रख देंगे। और क्या क्या होगा खास, चलिए सारी बातें आपको बताते हैं एक-एक करके इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अब यहां पर मलिष्का की सगाई ऋषि से हो जाए, इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही नीलम। और नीलम नहीं चाहती कि आखिर में लक्ष्मी इस बात को पूरी तरह से कुछ भी गलत करे, लेकिन इसी बात को रोकने के लिए लक्ष्मी के पास में नीलम भागते हुए जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। रोकने से पहले उसके पैर फिसल जाता है और उसके बाद में नीलम गिर जाती है, वो भी सीढ़ियों से, और घायल हो जाती है। घायल होने के बाद में बेहोश हो जाती है और बेहोश होते ही यहां पर पूरी तरह से ये सगाई रुक जाती है। जैसे ही यहाँ पर अंगूठी पहनाने के लिए हाथ बढ़ता है ऋषि का मलिष्का को, तभी यहाँ पर नीलम गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, और ऐसा होते हुए दिखाई भी देता है। और आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर लक्ष्मी काफी ज्यादा अपने आप को शौक में पाएगी एक बार फिर से मलिष्का को, और उसके साथ साथ यहाँ पर करिश्मा को एक और टॉपिक मिल चुका है पूरी तरह से ब्लैकमेल और उसके साथ साथ ब्लेम करने का लक्ष्मी को। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही एडमिट करवाया जाएगा नीलम को, और नीलम भी अब यहाँ पर लक्ष्मी को दूर करने के लिए ऋषि से और उसके साथ साथ उसको यहाँ पर पूरी तरह से अलग करने के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आएगी लक्ष्मी के ऊपर। और लक्ष्मी फिर भी इन सभी इल्ज़ामों के बाद में भी नीलम की मदद करेगी, नीलम को यहाँ पर वो बिल्कुल सही रखने की कोशिश करेगी। और आने वाले एपिसोड में हर बहाना ढूंढ कर पूरी तरह से लक्ष्मी को ब्लैकमेल किया जाएगा, एक नया प्लान बनाया जाएगा जिसके अंदर अब यहाँ पर पूरी तरह से लक्ष्मी को टॉर्चर किया जाएगा। अब यहाँ पर ऋषि भी अपने पूरी हदें पार करते हुए नजर आएगा, लक्ष्मी की तरफ से कुछ कड़े कदम भी उठाए जाएंगे जो कि अब पूरी तरह से ऋषि और लक्ष्मी को एक साथ जोड़कर रखेंगे। लेकिन वो कैसे, उसके बारे में डिटेल वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब बलविंदर भी पूरी तरह से एक बार नया प्लान बनाकर वापस आने वाला है। अभी तक रानो साथ दे रही थी लक्ष्मी का, लेकिन एक बार फिर से वो उसके खिलाफ होने वाली है, और साथ ही साथ पैसों का खेल एक बार फिर से खेला जाने वाला है। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।